जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। कहता हूँ कई जाते हूँ कहूँ बजा कर ढोले, श्वास जो खाली जात है ये तीन लोक का मोले। एक मानव शरीर का जो श्वास है ये एक श्वास भी कहते तीन लोक के तुल्य। और परमात्मा कहते हैं तुम्हारा मनुष्य जीवन का एक श्वास जब भक्ति बिना जाता है, सच्चे साधना बिना जाता है, तो इतनी कीमत है इस एक श्वास के सिमरण की। अब इस कीमत को, इस मूल्य को केवल आप ही लगा सकोगे, अन्य व्यक्ति नहीं। क्योंकि आप सत्संग में आने से जोहरी बनोगे, लाल की परख करने लगोगे, तब आपको इसकी कीमत का अलग से पहचान होगी, तुरंत महसूस होगी, खास सत्य बात है। तो ऐसे महंगे मोल का एक सांस भी जावे और तीन लोक नहीं पटतरे क्यों धूल मिलावे। पटतरे मन बराबर नहीं, आप नित्यनियम में भी पढ़ते हो, अपने नित्यनियम के अंदर आपको बहुत कुछ विज्ञान है, विज्ञान माने तत्व ज्ञान है, विशेष ज्ञान है। और इस ज्ञान को आप केवल रूटीन में पढ़ लेते हो कि हमने ये एक पढ़ना है, प्रतिदिन नित्यनियम करना ही करना है, लेकिन एक व्यवस्था बनाकर नहीं इसको प्रतिदिन करना चाहिए। जितनी देर भी इसको सुनो, किसी भी पार्ट को, इसके नित्यनियम का जितना भी बुद्धि मन निश्चल हो तेरा, तो ये विचार करे कि इसमें क्या बोला है मालिक ने अपनी वाणी में, क्या आदेश है तेरे लिए। क्योंकि आप पौन घंटा नित्यनेम करते हो, इसमें ज्यादा से ज्यादा आपका मन 20% इस नित्यनेम के अंदर आप 20% ही सुन पाते हो। उस 20% को भी यदि आप विचार करो डेली कि इसमें क्या आदेश है मालिक का, और फिर अपने जीवन को सारा दिन उस दिन को ऐसे ही सुचारू रखो। क्योंकि आपको घर से निकलने से पहले ये पढ़ा इसलिए जाता है कि आपके साथ रास्ते में कोई निकम्मा भी टकराऊगा, कोई गाली देने वाला भी मिलेगा, कोई गुंडा भी बोलेगा, कि कोई आंट भी लाएगा, तो उनके साथ आपने कैसे व्यवहार करना है। आवत गाली एक है उल्टा हो अनेक, और कह कभी ना उलटी हुआ रहे एक की एक। इसको पढ़ना पढ़ना नहीं है। मान ले कोई बुंडा बोला है, गलत बोलता है, गाली देता है, उसने तो कर दिया ये काम, और आप भी उल्टा दोगे तो फिर चार और देगा, क्यों तो पूरे मूड में है, वो तो फुल मूड में है लड़ाई के में। और आप भी आगे से उल्टी बोल पड़ोगे तो चार बैठा है, जब बरसात क्या उनका मुकदमा, रोज कर लेते दिन में। तो कहते परमात्मा आवत गाली एक है उल्टा हो अनेक, और कहे कबीर ना उलटियो रहे एक का एक। और देख आगे कितनी प्यारी बात कही है, गाली ही से उपजे कलह कष्ट और मौत, मृत्यु तक तो पहुंच जाती है एक छोटी सी गाली। गाली ही से उपजे कलह कष्ट और नीच, हार चले सो संत है लाग मरे सो नीच। आम भगत भी है और दूसरा गुंडा अच्छा बोल रहा है, और उसने मान लिया कि निश कह दिया, हमने उसको दो दड़ाक धर दिए, उल्टे भी बोल दिए, फिर वो मारण पर उतारू हो गए, फिर हमने उठोक दिया। हो सकता है आप उसे तगड़े भी हो और अच्छा भी संवार दो, फिर आप में और उसमें कसर के रहेगी। आप तगड़े भी हो और आपसे हल्का आदमी भी, आपने गुंडा अच्छा बोल रहा है, उसने बालक समझ के अनजान है, उससे बचो। तो इन नित्यनियम करने का डेली हमें जो पाठ करते हैं, इससे ज्ञान यज्ञ तो होता ही है। ज्ञान यज्ञ के साथ हमने समाधान भी इसका साथ पैरेलल करना पड़ेगा, तभी इसके पढ़ने का लाभ है। एक लाभ तो हो गया ज्ञान यज्ञ का, और उसके ऊपर अमल हमने किया नहीं, उसका काम फिर सारा बिगड़ गया। तो कहते हैं ये बातें कहन सुन के नहीं भाई, ये कर पाड़न की है। श्लोक T24 चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी दबाएं, ताकि हर वीडियो मिले आपको सबसे पहले।